नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज दिनभर की 10 बड़ी खबरें। चौधरी चरण सिंह स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को मिलेगा भारत रत्न, पीएम मोदी ने की घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की है कि कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेता व नीति की कोई गारंटी नहीं और वे मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता की व उनकी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो कैसे मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच आउटडेटेड हो गई है। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, कहा 10 फरवरी को संसद में मौजूद रहे पार्टी के सभी सांसद। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को लेकर एक व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि राज्यसभा के पार्टी सांसदों को 10 फरवरी को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का एक व्हिप जारी किया गया है कि उनको 10 फरवरी को राज्यसभा में जरूर से मौजूद रहना है। गुप्त कागजात के दुरुपयोग के मामले में फंसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, वकील ने मानसिक स्थिति पर भी उठाए गंभीर सवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 2017 में उपराष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वर्गीकृत दस्तावेजों के दुरुपयोग के मामले में अब फंस गए हैं। मामले की जांच करने वाले एक विशेष वकील ने उनकी उम्र को लेकर भी और उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। माता पिता बनने वाले हैं अभिनेता अली फजल और ऋचा चड्ढा, सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी। हाल ही में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अपने प्रोडक्शन के लिए काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने वाले अभिनेता अली फजल और ऋचा चड्ढा माता पिता बनने वाले हैं। इस जोड़े ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खबर की पुष्टि करते हुए 2 तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। कर्नाटक में वीएचपी के 7 कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवक पर हमला करने का है आरोप। कर्नाटक पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर एक मुस्लिम युवक पर हमला करने का आरोप है। चिक्कमगलुरु जिले में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए इन्होंने मुस्लिम युवक पर शुक्रवार को अलदुरू शहर में हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कर्नाटक में वीएचपी के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बारामूला में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, हथियार और गोला बारूद हुए बरामद, 2 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकी ठिकाने का पता चला है। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर घर में बनाए गए एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंगलों में अतिक्रमण को लेकर जताई नाराजगी, कहा जंगल दिल्ली के फेफड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंगलों में अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई है। उसने कहा है कि जंगल दिल्ली के हरित फेफड़े हैं, उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। धार्मिक संरचनाओं के नाम पर अतिक्रमण समेत अनधिकृत निर्माणों पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जंगल दिल्ली के फेफड़े हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती को राहत, राव जवेनी कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले से जुड़े हुए मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद के सांसद मीसा भारती, हेमा यादव की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, हल्द्वानी हिंसा पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में फैली हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि एक एक दंगाइयों की पहचान किया जा रहा है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।